अगर आपने कभी देखा होगा तो जो जुगनू होता है उसकी गांड हमेशा चमकती रहती है। जुगनू दो प्रकार के होते हैं, एक वो जुगनू जो उड़ते हैं, एक वो जुगनू जो रेंगते हैं। इन दोनों जुगनू की गांडें हमेशा चमकती रहती है। क्या ये दिन में चमकती है या रात में चमकती है? मैं आपको बताऊंगा, ये दिन में भी चमकती है लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण ये नहीं दिखाई देती। और जो रात में ये चमकती है तो ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होती, ये एक्चुअली बंद कर देते हैं। अगर आपने इनको छुआ तो इनकी जो वो होती है चमकने वाली गांड, अच्छा वो एकदम से बुझ जाती है। तो बुझ नहीं जाती, वो डर जाती है। एक्चुअली जब ये खुश होते हैं, जैसे आप खुश होते हैं ना, बस ये भी खुश होते हैं। और जितने ज़्यादा खुश हो गए तो ज़्यादा जल जाती है। और जैसे डर जाते हैं ना जब आप छूते, तो वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझको पता चला आज से लगभग 1800 साल पहले, ज्यादा तो नहीं हो गया, 18 ही थे शायद, 1800 साल पहले, जब एक राजा और रानी की कहानी है, राजा और रानी की कहानी। ठीक है, तो जब राजा जो अपनी रानी को वो बाँ। कर रहा था ना प्रपोज, मतलब कि उस वक्त जब वो उस रानी को प्रपोज करने गया तो रानी जो है नखरे दिखाने लगी। ना रानी नहीं कर रही हाँ उसको, ठीक है। तो राजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं। उनकी रानियों की दो बहन थी, अभी जो दूसरी वाली थी वो बड़ी शातिर थी भाई। राजा ने दूसरी वाली को फंसाने की कोशिश की और वो फंस गई। अब जो पहली वाली रानी थी उसने उस राजा को श्राप दिया कि अगर तुम ऐसी हरकत करोगे, बांग मेरी बहन को फंसाओगे, बांग तो तुम्हारी जो शादी होगी वो बीच में टूट जाएगी। और ये सुन के राजा को बहुत दुख हुआ। इसकी वजह से ओह राजा ने उस दूसरी वाली को छोड़कर पहली वाली को ही पटा लिया और उससे शादी कर ली। और जब शादी हुई तो वो 4 दिन तक चार गांव को दान देता रहा अपने पैसों से। और रही बात जुगनू की गांड में लाइट जलने की, वो मुझको नहीं पता कैसे जलती है, वो आप गूगल में जाके सर्च कर लो। नो 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 नो।